नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोई कस्टमर है जिसका लोड है जिसका 1080 वाट का। ये जर्क लोड नहीं है, नॉर्मल लोड है। ये कस्टमर ने हमको इन्फॉर्म किया है, मतलब बताया, शेयर किया ये इन्फॉर्मेशन मुझसे कि 1080 वाट का हमारा लोड है। इस लोड को रन करवाना है, कस्टमर को जो रन करवाना है वो करवाना है उसको 4 आवर्स अप्रोक्स। तो 1080 वाट का एक लोड है, नॉर्मल लोड, जो कि 4 घंटे चलाना है। तो इसके लिए क्या सेटअप लगेगा, कितना पैनल्स लग जाए, बस। अब ये रन जो है 4 आवर्स का, इसको हम बोलते हैं बैकअप टाइम। इसको बोलते हैं बैकअप टाइम। इस बैकअप टाइम वर्ड का मतलब होता है कि जब हमारा सोलर ना आ रहा हो और मेंस भी ना आ रहा हो, तो ये लोड पर किससे चलेगा भाई, वाया बैटरी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, जब हमारी मेंस भी ना हो और सोलर भी ना हो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक्स होते हैं, उनको ध्यान देते हैं। तो पहला बेसिक्स यहाँ पर आ जाता है हमारा कि 1080 वाट का लोड चलाएगा कौन। सबसे पहले हमें सिस्टम फाइंड करना है कि जो 1080 वाट का लोड हमारा चला दे। इसके लिए रूल्स होता है, जो आपका वाट में लोड है, इसमें कोई भी सिस्टम है उसका पावर फैक्टर एसी का सोर्स उसे डिवाइड कर देंगे, उससे इन्वर्टर की रेटिंग निकल आएगी केवीए में। राइट, वाट में है तो 1 किलो वाट में लेना पड़ेगा, तो ये निकल के आएगी इन्वर्टर की रेटिंग। इन्वर्टर की रेटिंग निकल आएगी यहाँ से हमारी। ठीक, बात करते हैं कि 1080 वाट डिवाइड बाई 0.8। जनरली जनरली मिक्स लोड के लिए यही लोड पावर फैक्टर होता है सिस्टम का, फॉर मिक्स लोड। ठीक है, मिक्स लोड कौन से होते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं। आर कॉमा एल कॉमा सी, तीनों बैलेंस होने चाहिए। ठीक, आर एल सी हो, जितना ज्यादा आर होगा उतना बढ़िया रहेगा सिस्टम। जितना रेजिस्टिव लोड ज्यादा होगा उतना बढ़िया रहेगा, जितना इंडक्टिव या कैपेसिटिव होगा उतना सिस्टम आपका मुश्किल से लोड चला पाएगा। इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपको आएगा लगभग, मुझे कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी, तो आप लोग देख लीजिए 1 मिनट, आप खुद भी निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं प्रॉपरली दिखा देता हूँ, जिससे आपको कभी जरूरत पड़े तो लोड से इन्वर्टर कौन सा कब कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1080 वाट का लोड है डिवाइड बाय 0.8 पावर फैक्टर है, तो जो 1350 VA का इन्वर्टर हमारा लगेगा। तो क्या निकल के आया, 1350 VA का इन्वर्टर मार्केट से हमें ढूंढना पड़ेगा। अब ये इन्वर्टर जो मार्केट से आप ढूंढोगे, वो आपका साइन वेव आउटपुट के साथ आना चाहिए। साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर बढ़िया होता है 1350 VA का। अब ये चूंकि 1000 VA से बड़ा है, लार्ज साइज मतलब बड़ा है, तो ये जनरली 12 वोल्ट में नहीं मिलता है। ठीक है, जनरली अब कोई बना ही दे तो कोई अलग बात है, स्टेबल सिस्टम लेना है तो आप इसको 24 वोल्ट में लीजिए। तो आपके दिमाग में क्या आया, 24 वोल्ट और 1350 VA या इससे बड़ा इन्वर्टर हमारे लिए ओके है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम हमें फाइनल करना है। तो सिस्टम कैसे फाइनल करेंगे, 24 वोल्ट 1500 VA का इन्वर्टर देख लेंगे मार्केट में, 1350 का नहीं मिलेगा, 1500 VA का एक देख लेंगे मार्केट में। तो 24 वोल्ट 1500 VA का इन्वर्टर हमको लेना है। ठीक है, अब ये 24 वोल्ट क्यों निकल के आया, इसके लिए अगर आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों आया, क्यों हम 24 12 क्यों नहीं लिया, 48 क्यों नहीं लिया, तो वो सब चीजें हम एक अलग वीडियो में सेपरेट समझ सकते हैं, अभी यहाँ पर नहीं समझेंगे। अभी हम चलते हैं सीधा, अपना 1500 VA का इन्वर्टर आ गया, तो ये क्लियर हो गया। बात करते हैं पैनल्स कितने लगेंगे, इसकी कैलकुलेशन 2 पर डिपेंड करती है। या तो आप ये देख लो नीड कितनी है कस्टमर को, या तो इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है सोलर पैनल्स लगाने की। इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है सोलर पैनल इंस्टॉल करने की। ठीक है, दो चीजें होती, तो अभी हम समझते हैं कि कैसे करते हैं। अभी हम लोग ये देख रहे थे कि कस्टमर को जो नीड थी वो थी 1080 वाट का लोड, 4 घंटे अप्रोक्स उसको चलाना था, जब आपकी मेंस भी ना हो और दूसरा
सोलर भी ना हो। सोलर कब नहीं होती है भाई? नाइट में। कस्टमर अगर कह रहा है कि मुझे नाइट में लोड चलाना है तो समझ जाओ कि वो बैटरी पर या मेंस पे चलाने वाला। अगर मेंस पे ही चलाना होगा तो आपके पास नहीं आएगा, वो सोलर का सोल्यूशन लेने नहीं आएगा, ना इन्वर्टर का सोल्यूशन लेने आएगा। नाइट का मतलब है वो बैटरी पर नहीं, सॉरी बैटरी पर चलाना चाहता है, मेंस पर नहीं। तो 4 घंटे चलाओगे तो आपकी लोड यूनिट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो लोड कितनी यूनिट बनाएगा जनरेट, 4 घंटे से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लो तो ये निकल के आएगा 4.3 यूनिट पर डे कंज्यूम करेंगे। कैसे निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है? तो ये निकल के आएगा WH, निकल के आएगा 1000 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 4.3 KWH। KWH को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई। अब 4.3 यूनिट हमको अगर कंजप्शन करना है तो इतना हमको क्या करना पड़ेगा, जनरेशन करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैन से कर लें, देखो अगर कस्टमर रेडी है तो फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, वो खुद ही कर लेगा। हमको ये जनरेशन सोलर से करना है, ठीक है? कोई समस्या हो सकती है, किसी को बिल बचाना है, किसी को यहाँ मेंस का कनेक्शन नहीं है, तो इतना जनरेशन के लिए आप क्या करोगे, 4.3 यूनिट अगर आपको लेनी है तो 250 वाट से मल्टीप्लाई कर दो। 250 वाट का पैनल्स अगर आप ले आते हो मार्केट से तो वो 1 यूनिट जनरेट करता है रोज, तो 4.3 यूनिट लेने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा, ये आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 1075 शायद, है ना? ऐसे कुछ अप्रोक्स आ रहा होगा, 1075 वाट के पैनल्स की नीड होगी अगर इतना लोड चलाना है। लेकिन अगर यही पैनल्स हम डे टाइम में चलाएंगे लोड तो चला देंगे वो, ठीक है? लेकिन हम ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर ले रहे हैं डे टाइम में तो ये चला देंगे, ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर ले रहे हैं इसका मतलब है उसमें क्या लगी हुई होगी, बैटरी लगी होगी, है ना? बैटरी लगी होगी, बैटरी से हम नाइट में बैकअप लेने वाले हैं तो फिर बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा हमें डे में ही, राइट? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करने का एक ही प्रोसेस है, चार्जर लगाना पड़ेगा। बैटरी चार्जिंग के लिए चार्जर लगाना पड़ेगा, चार्जर कहाँ से है, सोलर से। तो ये जो सोलर पैनल से इनको हम लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? अब बैटरी कितनी थी हमारी, 24 वोल्ट की। 24 वोल्ट का मतलब है 2 बैटरी, 2 बैटरी का मतलब है 12 वोल्ट की एक बैटरी। ऐसी 2 बैटरियों को हम सीरीज में कर दें, ठीक है? सीरीज में कर देंगे तो लग जाएंगी 2 बैटरी, 12 वोल्ट की 2 बैटरी, ठीक? सीरीज में करेंगे क्योंकि हमको चाहिए 4 यूनिट का बैकअप, 4 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट ऊपर जो आया था 4.3 कुछ निकल गया है, 4.3 यूनिट का हमको बैकअप चाहिए था, राइट? एक बार देख लेते ऊपर, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने झूठ बूट बोल दिया है। तो हमको यहाँ पर कितने का चाहिए था बैकअप, लोड यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे थे, 4.3 रहा, इतनी यूनिट का हमको चाहिए बैकअप, ठीक है? इतनी यूनिट के बैकअप के लिए हमको सिंपल से 2 बैटरी से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2.1 यूनिट पर बैटरी निकल के आएगा, 2.1 यूनिट पर बैटरी। तो बेहतर सॉल्यूशन क्या है आपके पास, बेहतर सॉल्यूशन है कि आप 210 AH की C10, याद रखना C10 बैटरी दो ले लो, 210 AH की C10 दो बैटरी ले लो, ये आपको 2.1 यूनिट का बैकअप देंगी फुल चार्ज से फुल डिस्चार्ज। तो हमारा 4.2 यूनिट का बैकअप मिल जाएगा डेली, ठीक है? 4 पॉइंट, ये सब तो कहानी होगी, लेकिन बीच में चार्जिंग का लॉस, जनरेशन लॉस, बारिश का मौसम, ये सब चार्जिंग लॉसेस और सारी लॉसेस को देखते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा पैनल ज्यादा लगाएंगे, ठीक है? हमारे जो पैनल लग रहे थे वो कितने लग रहे थे, 1075 शायद, है ना, पैनल्स, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे सेफ साइड खेलने के लिए, हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। मेंस नहीं है, मेंस से कुछ भी नहीं करना है, सबको सोलर और बैटरी से होगा कहानी, ठीक है? तो 1075 वाट के पैनल से थोड़ा बढ़ा लेंगे। कैसे निकालेंगे हम, तो 335 वाट के आप 4 पैनल लगा लीजिए, थोड़ा बढ़ा लेंगे, 3 नहीं लगाए, 3 तो कम पड़ जाएंगे, 4 लगा लेंगे, और इनको पैरेलल लगाएं। पैरेलल लगाएं क्यों, क्योंकि अगर आप 24 वोल्ट का PWM वाला इन्वर्टर ले रहे हो तो अगर हम बात करें एक प्रोडक्ट की किसी कंपनी के, तो उसका नाम है हमारा हीलिया कंपनी का इन्वर्टर आता है, यूटीएल सोलर का। कौन सी कंपनी है, यूटीएल सोलर का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है सोलर के साथ, जिसके अंदर PWM सोलर चार्जर लगा हुआ है, 24 वोल्ट में अवेलेबल है,
आप इसको 2000 BA का भी ले सकते हो इन्वर्टर, ठीक है, और दूसरा भी ले सकते हो, और भी रेटिंग अपने पास अवेलेबल है। तो 2000 BA या 1500 BA का भी ले सकते हो। अगर सेफ साइड खेलना है तो आप 2000 BA का लेना। इससे बड़े भी हैं, उनका कॉस्ट ज्यादा है थोड़ा, 2500 BA का, 3 KVA का है, तो उनको अवॉइड करें आप। आपको 1000 वाट का ही लोड चलाना है तो इनमें से कोई भी ले लो। तो 24 वोल्ट में हीलियक 24 वोल्ट का लेना है, जिसमें पैनल लगाने हैं 335 वाट के, 4 पैनल्स, ठीक है। वो पैनल्स कैसे लगेंगे? पैरेलल में कैसे लगते हैं कोई पूछेगा, तो कैसे बताओगे भाई? अगर आपको नहीं आता है, कहीं लोकल में कुछ भी करवाना है, इंस्टॉलेशन जो भी करवाना है, तो आपको 4 पैनल्स लेने हैं ऐसे। उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर पे, एक रिलायबल स्ट्रक्चर लें जिसमें रस्टिंग ना हो, GI का लो या फिर जो भी लो आप, ये ऐसे कनेक्शन करने हैं। अब ये कनेक्शन जितना आसानी से मैंने पेन से लेके बना दिया, ऐसे बनते नहीं है। यहाँ पर सारे प्लस होंगे ऊपर, सारे माइनस नीचे होंगे, जैसा मैंने बता दिया ऐसा होता नहीं है। यहाँ से प्लस आ जाएगा, यहाँ से माइनस, ये इन्वर्टर में लग जाएगा, ठीक है। आप ये करने के लिए, ये जो मैंने क्या किया है यहाँ पर, इनको पैरेलल किया है। क्या किया इनको? पैरेलल किया है। पैरेलल इसलिए किया क्योंकि ये पैनल जो है ये 24 वोल्ट का है, और जो इन्वर्टर है ये भी 24 वोल्ट का है, इसलिए हमने क्या किया इनको पैरेलल करना पड़ गया, ठीक है भाई। ये पैनल के कनेक्शन है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीसी डीवी लगा सकते हो। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा के आप, डीसी डीवी लगा के आप यहाँ पर पैरेलल कर सकते हो। और तरीका होता है, एक हमारे पास MC4 कनेक्टर होते हैं, MC4 कनेक्टर लगा के भी कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है आप मंगवा लें, बहुत बढ़िया रहता है वो। MC4 कनेक्टर में लगा के क्या होता है, 4 इनपुट आते हैं, एक निकल आएगा, तो 4 प्लस आपकी जगह आ गए, यहाँ से 1 प्लस निकल आया, ऐसे ही 4 वायर यहाँ पर आ जाएंगी माइनस की, यहाँ से 1 माइनस निकल आएगी, तो ये पैरेलल हो गए, एक जगह जोड़े जा रहे हैं इनको, ठीक है। अगर आपके पास 4 इन 1 आउट आपके पास अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में, 4 इन 1 आउट नहीं मिल रहा है, तो आप, और भी ऑप्शंस हैं, आप 2 इन 1 लेके, 2 इन 1 आउट लेके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। पहले इन दोनों को पैरेलल करोगे, फिर इन दोनों को पैरेलल करोगे, फिर इन दोनों को जुड़ा के, फिर इन दोनों को पैरेलल करोगे, तो 3 कनेक्टर लग जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 6, टोटल कनेक्टर कितने लगेंगे? ये 6 कनेक्टर, और ये कितने लगेंगे? ओनली 2, जिसमें से एक प्लस वाला होगा, एक माइनस। प्लस वाले को मेल बोलते हैं, तो माइनस वाले को फीमेल बोलते हैं। एक कनेक्टर लगा के प्रॉपरली आप वायरिंग करें। अच्छा, आप कॉपर की वायर लगाओगे, क्या लगाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। आप 9 एम्पियर इंटू 4, जो 34 36 एम्पियर इसमें से आएंगे, तो याद रखना, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब तो वायर मोटी कर देना, अगर डिस्टेंस कम है तो आप 10 स्क्वायर mm की वायर कॉपर की डाल सकते हो। 10 स्क्वायर mm की वायर आपको लॉसेस कम देगी, 6 की डालोगे वायर हीट होगी और लॉसेस देगी, वोल्टेज ड्रॉप करेगी, ठीक है। 10 स्क्वायर mm की वायर डाल के पैरेलल करने के बाद इनको खींच लो इन्वर्टर की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन पूरा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बैटरी का जो क्वेश्चन था कि बैटरी कितनी परसेंट चार्ज डिस्चार्ज है, वो C10 बैटरी की मैंने बताया था। C10 बैटरी आप ले लीजिएगा, 2 और 210 AH या 200 AH की ले लो, कोई काम बन जाएगा। अगर C20 ले रहे हो तो बैटरी आप बढ़ा लेना, 230 AH की कर लेना, फिर 230 AH या इससे बड़ी बैटरी ले लेना अगर आप बढ़ा रहे हो। लेकिन याद रखना, हीलियक का जो इन्वर्टर है वो बाई डिफॉल्ट कितने एम्पियर से चार्जिंग पर आता है? बाई डिफॉल्ट जो चार्जिंग है उसकी मेन से जो चार्जिंग है वो 15 एम्पियर के है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, मेन से चार्जिंग करनी ही नहीं है, हमको करना है सोलर से चार्ज। सोलर से PWM चार्जर है, वो ऑटोमेटिक बैटरी को वोल्टेज के ऊपर शूट कर देगा, आराम से चार्ज करता रहेगा, ठीक है। C10 बैटरी लें, 200 AH की या 210 AH की, बढ़िया रहेगी, ठीक है। यूटेल के पास है तो वो देख लेना, UHT सीरीज से आएगी, ये वाली अदर सीरीज से आएगी, तो वहां पर मेंशन होता है बैटरी पर C10। C10 का बैकअप ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए सेम एज की बैटरी C20 की, C10 का बैकअप ज्यादा होता है, वारंटी भी 5 साल की मिलती है, ठीक है। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए, फिर भी डाउट है तो कमेंट में करिए, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है।